हेलो हाँ शरद हाँ मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ या ओके 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 ड्यूटी के बजाय चाय की दुकान पर टाइम पास कर रहे हो, उधर देखो आपकी ड्यूटी कोई और कर रहा है। अरे बाप रे, सॉरी सर। क्यों भाई, सैल्यूट मारने या गप्पे मारने के लिए ड्यूटी पे आते हो क्या? क्या तुम इसी तरह ड्यूटी निभाते हो? हाँ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम पुलिस डिपार्टमेंट के हैं और पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के पैसों से ही हमें पगार मिलती है। सर गलती हो गई सर। क्या गलती हो गई? पहले ईमानदारी से एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की तरह अपनी ड्यूटी निभाना सीखो और याद रखो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, दोबारा अगर देख लिया तो माफ नहीं करूंगा सर। सुरेश, ये जरूरी है क्या? क्या हम जी नहीं सकते? हमारे घर वाले पुराने विचारों के हैं, हम लोग उनके खिलाफ जा नहीं सकते, इसलिए अलग होकर जीने से अच्छा है हम साथ साथ मर जाएं। पागल। नमस्ते साहब। नमस्ते। लड़की की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसे मिल जाते हैं साहब? हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बार भाई से भी पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है साहब। ए रुको, घास तोड़कर अगर हम टोपी के अंदर रखेंगे तो सर ठंडा हो जाएगा ना? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सर पर रखने से सर ठंडा होता है माँ। डैडी आप भी रखिए ना। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं रखना। खुजली होगी इसलिए डरते हैं क्या? खुजली? छोटी छोटी उम्र के सपने हजार, आने लगा मुझ पे जवानी का निखार। मुझको खबर न थी मैं थी अनजान।
बारिश नहीं आई तो घर के बाहर और बारिश जरा सी भी आई तो घर के अंदर। तुम मेरे जैसे 10 साल मद्रास में रहकर दिखाओ तो तुम्हें पता चलेगा बारिश क्या होती है। तो जाकर खाना लगा दे। मेरे पापा एक सवाल पूछो। आप पूछो। एक घर में 2 बाप 2 बच्चे कुल मिला के कितने हुए? अरे इसका जवाब तो बहुत मुश्किल है भाई। फिर भी एक घर में 2 बाप 2 बच्चे कुल मिलाकर 4 लोग हुए इस गधे को छोड़कर। सही कह रहा हूँ ना? पापा सुनो सुनो। अरे अब क्या हो गया भाई? 3 लोग होंगे। ये लो, कैसे होंगे 3? कैसे होंगे 3 लोग बताओ। एक घर में एक चाचा, उसका एक लड़का और उनकी बीवी। अब बताओ हुए ना 3 लोग? फिर आप कैसे कहते हैं कि 4 लोग? 2 परिवार है तो 2 ही होंगे। भी बहुत जानी है। आ जाओ। दोपहर में खाने के लिए भी नहीं आया, कहाँ गया था? हमेशा की तरह अपने फेवरेट प्लेस पर। डैडी, आज मुझे एक अजीब एक्सपीरियंस मिला। क्या? 2 प्यार करने वालों ने सुसाइड कर दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, समाज के रिवाज तोड़ नहीं पाए इसलिए अपने आप को खत्म कर लिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। अश्विन, तुम सिर्फ देखते रहे, तुमने उन्हें रोका नहीं? मैं कौन होता उन्हें रोकने वाला? वो उनकी मर्जी थी, उनको मरना था, मर गए। अश्विन, ये क्या कह रहे हो तुम? इसने अपने दिमाग के भ्रम को सच मान लिया। आंखों देखा सच भ्रम कैसे होता है? बेबी, आज शुभ दिन है। इस शुभ अवसर पर तेरे खूबसूरत बालों को सुंदर बनाने के लिए मैं एक चीज डालने आया हूँ, नहीं लगाने आया हूँ। जब एक जवान लड़का और एक जवान लड़की मिलते हैं तो क्या होता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं जवान कैसे हो गई ये पूछोगी तो मेरे दिल के अरमान बेबी दिल में ही दबके रह जाएंगे। आखिर कितने दिन इसे छुपा सकता हूँ? बेबी, आई लव यू,
आई लव यू, आई लव यू। ऐसे क्यों भागते हुए? सीसी मुझे काटने आ रहा है। सीसी, वो तो किसी पर ऐसे नहीं भागता। तुमने ऐसा क्या कर दिया? वो मैंने छोटी सी गलती कर दी। गलती? गलती नहीं, तुझे सीसी समझ के। नहीं, सीसी को तू है समझ के। छी, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। क्यों, दिल की बात भी नहीं कर सकता क्या? दिल की बात? तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहना चाहते हो? तू ही तो मेरे दिल की रानी है बेबी। बेबी, बेबी क्या हुआ? क्या हो गया बेबी? बेबी क्या हुआ, बताओ ना। ये बात सीधे तरह से कहने के बजाय घुमा फिरा के कह रहे हो। मैंने ये सोचा, मैंने ये समझा, तेरे जैसे बेरोजगार के साथ प्यार करूंगी तो मेरा बाप मुझे घर से बाहर निकाल देगा। नौकरी करने के बजाय प्यार करने निकले हो तुम। इसका मतलब जो मैंने दिल में सोचा वो गलत है क्या? मुझे अपनाना है तो पहले पैसा कमाना होगा। तुझे अपनाना या नहीं अपनाना बात की बात है, लेकिन तुझे मुझसे बढ़कर दौलत से प्यार है? जिंदगी में प्यार कितना जरूरी है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी है। पता नहीं किस गधे ने कह दिया और ये मान भी लिया। जिस किसी ने भी कहा है तुम उसे क्या समझोगे? जाओ अभी जाओ। मेरा नाम डेनियल है, चेन्नई से आया हूँ, कमिश्नर साहब से मिलना है। आइए। ए रुकना, मैं भी आ रही हूँ। डैडी, ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं डेनियल हूँ। हाँ बोलो। फादर एंड्रयूज ने आपके लिए लेटर दिया सर। फादर एंड्रयूज? लेकिन वो नहीं आ सकते थे इसलिए ये लेटर दिया है। ये लेटर देने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्होंने मुझे तुरंत आपसे मिलने के लिए कहा सर। वो खुद आपके पास आना चाहते थे सर, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से। नो नो, इट्स ऑल राइट। मैं और फादर अच्छे दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। वो फादर बन गए और मैं पुलिस कमिश्नर। डैडी, लेकिन आप भी तो मेरे फादर हैं। ये देखो, ये घड़ी भी उन्हीं की दी हुई है। तो तुम्हें एक नौकरी चाहिए। विश्वा, विश्वा, यहाँ ऊटी में तुम्हें जानने वाला कोई है क्या? नहीं सर, आपने बुलाया क्या? ये डैनियल है, फादर एंड्रयूज ने भेजा है। हमारी टी फैक्ट्री में एक यूनिट सुपरवाइजर की नौकरी खाली है ना? और स्टाफ क्वार्टर में कोई कमरा खाली है क्या? नहीं है भाई। तो तुम एक काम करो, लोगों के कमरे में इसके रहने का इंतजाम कर दो। ठीक है भाई, अब जाओ। चलो। थैंक यू सर, आओ मेरे साथ। लोबो। हाँ। डैनियल साहब हमारे फैक्ट्री के नए सुपरवाइजर हैं, कुछ दिन ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ओके सर, आओ। थैंक यू सर, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, तुम साहब को कैसे जानते हो? चर्च के फादर की वजह से। ओ, तुम्हारे फादर और हमारे साहब दोस्त है क्या? फादर मतलब मेरे पिताजी नहीं, चर्च के फादर की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या, अपने बाप को भी फादर कहते हैं और चर्च के फादर को भी फादर कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। ये भी सही है वो भी सही है, तो मुझे कंफ्यूज मत करो। मजाक कर रहा हूँ, और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पूरा उटी ढूंढ लोगे तो भी मुझ जैसा स्मार्ट आदमी नहीं मिलेगा, इसलिए डोंट टॉक टू मच, फॉलो मी, फॉलो मी। ज्यादा ही समझदार लगता है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने। साहब कुछ खाओगे? क्या लाऊं? दो इडली कितने की? 5 रुपए की सर। ठीक है लाओ। साथ में वड़ा भी लाऊं? वड़ा कितने का है? क्या साहब, नाश्ता करने आया है भाव पूछने? मैं भाव पूछ रहा हूँ तो क्या हुआ, नाश्ता करने के बाद तू बिल लेके आएगा, हर चीज की अलग कीमत होती है। वड़ा खाऊंगा तो वड़े की अलग कीमत होगी, इडली खाऊंगा तो इडली की अलग कीमत होगी, इडली वड़ा साथ में खाऊंगा तो उसकी अलग कीमत होगी, खाने की अलग कीमत होगी, पीने की अलग कीमत होगी, लड़की की अलग कीमत, लड़के की अलग कीमत। अगर कीमत नहीं होती तो ये दुनिया नहीं चलती। आप बोल चुके,
तुम्हें इडली चाहिए या इडली वड़ा चाहिए? नहीं, तू केवल इडली दे। एक मिनट, सांभर किस में देगा? कटोरी में। इस जग में देना। कैसा आदमी है यार। एक मिनट रुक जा यार। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 सर, मैं लोगों हूँ सर। कहो क्या बात है सर? एक बात बताइए, आपके पूरे परिवार के खाने का जितना बिल नहीं हुआ उससे ज्यादा आपने वेटर को टिप दे दिया। आप इतना पैसा कैसे कमाते हैं सर? खूब मेहनत करके कमाता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? हमारे गांव में बचपन से जो मजदूरी करता है वो बूढ़ा होने तक मजदूरी करता रहता है, जो खेत जोतता है वो खेत ही जोतता रहता है, जो ऑटो चला रहा है वो बूढ़ा होने तक ऑटो ही चलाता रहता है। वो लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाए, जहाँ थे आज भी वहीं चप्पल घिस रहे हैं। एक बात बताइए, आप इतनी दौलत ईमानदारी से कमाए हो या किसी को लूट के लाए हो सर? ए, क्या बकवास कर रहा है? कूल मैन कूल। सर आपने जिस तरह दौलत कमाई है उसी तरह मैं भी कमाऊंगा सर। आप जैसे परिवार के साथ सुखी है वैसे मैं भी बेबी के साथ सुखी रहना चाहता हूँ। इडियट सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अरे लोगो, तुम सर मुझे पहचानते? अबे सर नहीं बे, काय का सर, मैं हूँ ईशु, ईश्वर। मैंने नहीं पहचाना। याद कर जब हम 10 साल के थे, राम दीन काका के बगीचे से हम लोगों ने आम चुराया था, तुम ही ने तो मेरी इज्जत बचाई थी। अरे वो दिन तो याद कर। लोगो लोगो लोगो, देखो मेरा क्या हाल हुआ है लोगो। ईशु, तेरी लंगोट को क्या हो गया रे? मैं रामदीन काका के बगीचे से आम चुरा रहा था तो उसने पकड़कर मेरी लंगोट उतार ली। एक आम चोरी करने के बदले उन्होंने तेरी लंगोट ले ली? वो सब छोड़, अब बता मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? मेरे होते हुए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तेरी इज्जत बचाऊंगा। मैंने अभी तक तेरे लिए बचा के रखा। ठीक है चल, आज के बाद मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तू इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बन गया? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, थोड़ा सा रिस्क उठाने से पैसा हमारे पास खुद चला आता है। आज मेरे पास कितने कुएं हैं जानता है? कुआं? हाँ दोस्त, तेल का कुआं 4, 2 मिल, 4 बंगला, और भी आगे मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, तुझे भी मैं अपने जैसा करोड़पति बना दूंगा। कैसे दोस्त? पद्मा सर, जरा बैग में से नोट तो देना। ओके सर। ये ले, ये है नंबर 2। और पहली बीवी? अबे मैं नोट के बारे में बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जो छापती है वो नंबर 1 होता है और हम जो छापते हैं वो नंबर 2 होता है। इसका मतलब ये नकली नोट है? मुंह बंद कर, वरना कोई सुन लेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नंबर 2 का नोट है। तो 1 नंबर और 2 नंबर में फर्क क्या है? सिर्फ एक तार का फर्क है। गवर्नमेंट के नोट में जो तार होता है उसकी चमक हमेशा रहती है। बाप रे। और इसमें जो तार होता है उसकी चमक हमेशा नहीं रहती। अगर इस नोट को चलाने में तू कामयाब हो गया तो अगली बार तुझे नोटों से भरा सूटकेस दूंगा और उसके बाद तू करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पीछे बैठी वो कौन है? ये मेरी 6ठी नंबर वाली है। अगर पहली नंबर वाली चाहिए तो मुझे नंबर 2 ही चलेगा, मैं चलता हूँ। ठीक है। बाप रे, मैं जब भी इस रूम में आती हूँ सब उल्टा पुल्टा ही रहता है। अगर एक दिन मैं ना हूं तो पता नहीं क्या हाल होगा इसका। ये देखो कपड़े कैसे बिखरे हुए पड़े हैं। अनीता, डेनियल कौन है जानती हो? चेन्नई से आया है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात तुम समझी नहीं। ये बताओ, ह्यूमन रिसर्च या और कुछ पढ़ा है तुमने? डेनियल का नाम नहीं सुना क्या? कॉल्स वैगन? नहीं बाबा। बेकार। हाँ हम सब बेकार हैं, तुम ही एक काम के लायक हो। ओके, हु इज दैट? पता नहीं, कोई नया है, डैडी के फ्रेंड फादर एंड्रयूज है ना, उन्होंने भेजा है। हाय, कम हियर। व्हाट्स योर नेम? डैनियल। डैनियल, डैनियल का मतलब क्या है जानते हो? डैनियल का मतलब है जो लोग अंधकार में भटककर सपनों में खोए रहते हैं, उन्हें सही राह दिखाना और मौत के मुंह से भी खुशियां छीन लाना। अब बुरा मत मानिएगा, मेरे भैया सब जानते हैं, कंप्यूटर से लेकर विज्ञान तक। विज्ञान से लेकर कंप्यूटर तक बोलो, इंसान ने सबसे पहले विज्ञान को जाना, कंप्यूटर बाद में बना, ये बात कभी मत भूलना। ओके डैनियल, बाय बाय। ओके सर। आपका माल बिल्कुल तैयार है? हाँ।
ठीक है, कल सुबह भिजवा देता हूं। ओके, ही इज डैनियल, हमारे नए यूनिट सुपरवाइजर। ही इज फॉर। हेलो सर। भाई कुछ बायर्स आए हुए हैं, मैं उनको मिलकर आता हूं। बाय डैनियल। डैनियल तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? दीदी, जीजा, उनका परिवार और कोई भी नहीं है सर। फादर ने लेटर में लिखा है कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़ लिख नहीं पाया सर। कोई बात नहीं, अरे कभी कभी बगैर पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर जाते हैं। ओके, कैरी ऑन, आई विल सी टू सर। अरे कभी कभी बगैर पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर जाते हैं। दीदी, 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 क्या है शक्ति? आज मुझे आठवीं क्लास से सीधा दसवीं क्लास में बैठा दिया, डबल प्रमोशन। मुंह खोलो, आ आ। ए, थोड़ा थोड़ा आ। धनी सा सा। दीदी देखिए ना सर को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सर? सुनिए ना, क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है। कुछ दिन या ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मैं अक्सर आके देख लूंगा। ओके, डोंट वरी। अगर इनकी ये हालत रही तो हमारा क्या होगा? थैंक यू बेटा। आप इतना अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं कि आपको पियानो बजाना आता है? आता है। हमारे घर में एक बहुत बड़ा पियानो है, आप हमारे लिए गाना गाएंगे ना? फिर कभी गाऊंगा। अभी गाना होगा प्लीज। दिल को लुभाए बूंदों की रिमझिम, गाती है नदियां लहरों में सरगम, महकी फिजाओं में झरनों के स्वर, बुलबुल की चहकों से गीत बने, कोयल की तानों में पपी है के ताल, मिलके सुहाना संगीत बने, सारा जहां झूमे। जन्नत है यही मछले से है अरमा मेरे, गाना चाहे गीत कोई गाए, जमीन ये आसमां
गाए हवा झूमे जहां, मिलता नहीं दिल को करार, दिल हो रहा है मेरा बेकरार, दिल बेकरार, दिल बेकरार क्यों हो रहा। काफी अच्छा पियानो बजाते हो, कहाँ पर सीखा? चर्च में सर। गुड, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। ए बेटा, क्या है? भूल नहीं लोगे क्या? मैं मंदिर थोड़े जा रहा हूँ। तू लड़की से मिलने जा रहा है, मैं जानती हूँ, उसी के लिए फूल लेता जा। देखिए आप लोग उधर से जाइए, उधर से सुनिए, उधर से इधर से कोई नहीं, सब लोग उधर से निकलेंगे, यहाँ कोई नहीं आएगा इधर से। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। लोगो तू मर्द बन के पैदा हुआ है, डर मत, गुजरा गुजरा। सर माताजी का अभिषेक करना है, एक टिकट देंगे? आप छुट्टे पैसे दीजिए, 500 का नोट देंगे तो मैं छुट्टा कहाँ से लाऊंगा? अरे मुझे छुट्टे की जरूरत है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, यहाँ इतने सारे लोग हैं और आप कह रहे छुट्टा नहीं है। सर ये सब लोग तो दर्शन करने आए हैं और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम भी है, 10 रुपए में और क्या मिल सकता है। ओह यहाँ पर आए लोगों को तुम अन्न दान करके भक्त बनाना चाहते हो? खैर वो सब जाने दो, अगर ऐसा ही है तो एक तकिया और चादर मुझे दे दो, यहीं खा पी कर सो जाऊंगा, कम से कम घर का खर्चा तो बचेगा। अभी हमारे स्वामी का सीजन नहीं है, ये सब लोग तो भद्रकाली की पूजा के लिए आए। क्या है ये सब, गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन और अब स्वामी जी का भी सीजन हो गया? लोगों को इस तरह बेवकूफ बना के लूटना बंद करो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे स्वामी भी हमारी तरह इंसान है, वो क्या भला करेंगे, वो भगवान है क्या? सुनो क्या हो रहा है इधर, किस बात का लफड़ा है? नहीं नहीं सर कोई लफड़ा नहीं कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं। 500 रुपए देकर टिकट मांगा था, छुट्टा नहीं था इसलिए नहीं दिया। अच्छा ये बात है, तुम्हें 500 का छुट्टा चाहिए? क्या सर नोट से मछली की बदबू आ रही है, मार्केट से लाओ क्या? कोई डिपार्टमेंट के लगते हैं आप भी। एक बात सुनिए, मेहनत की कमाई से बदबू नहीं आती, मछली की कमाई से आती है। भाई तुम तो बड़ी दूर की सोच रहे हो।
ये लो 500 का छुट्टा। क्या हुआ साहब, टिकट नहीं चाहिए? मेरा काम तो कांस्टेबल ने कर दिया, अब तुझसे टिकट के लूं? हाय डैनियल। डैनियल सर। क्यों भाई, रोड क्रॉस करते समय तुम इतना सोचते हुए जा रहे हो? इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यस सर। ओके, कैरी ऑन, बाय। चलो डॉक्टर के पास चलते। कौन थे सर ये लोग? मेरी जान का दुश्मन कौन है ये तो मैं नहीं जानता। मैंने किसी को सजा दी होगी, उन्हीं में से कोई होगा। इट्स ओके, कम ऑन, लेट्स गो। आओ। आओ डेनियल।
अरे क्या हो गया? डैनियल के हाथ में बैंडेड क्यों है? ये एक छोटा सा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? कैसे हुआ? एक्सीडेंट नहीं, कुछ गुंडे लोग सांप की जान लेना चाहते थे। कौन थे डैडी वो लोग? आपकी जान क्यों लेना चाहते थे? नहीं जानता बेटी। हाँ बेटा, आज डैनियल नहीं होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बच पाता। थैंक यू डैनियल। ये तो मेरा फर्ज था सर। अपने पुलिस कंप्लेंट तो कर दी ना डैडी। हाँ बेटा, वहीं से आ रहा हूँ। यहाँ पर हमले कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं। सही कह रही हो बेटी, अब तो पुलिस वाले भी सेफ नहीं। आज का न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है सर, आजकल पुलिस वालों के अत्याचार वाकई बढ़ गए हैं। आपने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा क्या? पुलिस वालों ने रक्षक की जगह भक्षक बनकर एक परिवार को तबाह कर दिया सर। तुम्हारा मतलब सारे पुलिस वाले गलत हैं? किसी एक पुलिस वाले की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होगा? पुलिस की एक गलती को हेडलाइन बना के छापते हैं, और अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो पेपर के किसी कोने में एक छोटी सी न्यूज छाप देते हैं। डैम इट, तुम्हें पता है 25 साल पहले अरुण नाम के एक DIG थे? मुझे नहीं पता सर। उन्होंने ड्यूटी के लिए अपनी जान दे दी, ये कोई नहीं जानता। क्या सर, आप पुलिस वालों को अच्छा साबित करने के लिए 25 साल पुरानी दलील पेश कर रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया क्या? What is this nonsense? एक मिनट के लिए यहाँ। अब जाने भी दो बेटा। अब चुप रहिए डैडी। डैनियल आओ, मेरे साथ आओ। देख लिया ना, मिस्टर देवनाथन IPS कितने ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, अब पता चला? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, पता होता तुम सीरियस हो जाओगी तो कभी नहीं कहता। शायद तुम्हें पता नहीं, डैडी को डिपार्टमेंट के ऊपर और डिपार्टमेंट को डैडी के ऊपर पूरा विश्वास था। सॉरी मैम। एनीवे, डैडी की जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा फर्ज था। सामने दीवार पर ये तस्वीर किसकी है? डैडी की तस्वीर है, आओ। तो कुछ होती नहीं है, लोग बार बार आके पैसा मांगते रहते हैं। तुम जब अपने काम से बाहर गए थे तो तुम्हें पूछते हुए एक लड़की आई थी। भाई सुन रहे हो ना मेरी बात, वो फिर आने वाली है। इस पेंटिंग का कोई हमें एक रुपया भी नहीं देगा, जब देखो तब इसी लड़की की पेंटिंग बनाते रहते हो। मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, दिल की तसल्ली के लिए बना रहा हूँ। आज मैंने उसके बर्थडे पर कपड़े खरीद कर दिए, लेकिन उसने पहने नहीं है, इसलिए तस्वीर बनाकर देख रहा हूँ कि उन कपड़ों को पहनकर वो कैसी लगेगी। तो फिर उसे किस भी दे दो। hey! अगर उसे प्यार करते हो तो उसे कह दो, वो यहीं आके रह जाएगी। हे hey, तुम कब आई? मैं जब किस देने के लिए कह रहा था तभी आ गई थी। ठीक है, हाथ हटाओ। अरे अरे, एक बात तो बताओ, तुम्हें तस्वीर में कोई कमी नजर आ रही है? माथे की बिंदी बाकी है। ओके, जो कमी है वो तो तुमने बता दी, लेकिन उस कमी को आंख बंद करके पूरा करो। अरे बस 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 बस। क्या साहब, आप भी सभी घर वालों के लिए चिकन बनाया है, खा लीजिए गर्मा गर्म। क्या गर्मा गर्म कह रही है? दिखाई नहीं दे रहा, जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे। इसके लिए खाना नहीं लाए क्या? अभी घर के सारे लोगों ने खाना नहीं खाया। उनके खाने का इसके खाने से क्या संबंध? और लोगों के खाने के बाद ही तो ये खा सकता है ना। ऐसी क्या बात है, सबके बाद क्यों खाएगा? आप जानना चाहते हैं ना इसके लिए खाना क्यों नहीं लाई? अरे सबके खाने के बाद बचेगा तभी नहीं खाएगा। सर आप यहाँ पर नए हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा। सुनो, साहब के खाने के बाद प्लेट धोकर रख देना। ठीक है ठीक है, तू अंदर जा, मुझे मालूम है क्या करना है। ए डैनियल,
यहाँ आए तुझे एक महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी मेरी आइटम को पटा लिया। पहनने के लिए लुंगी भी नहीं बचेगी, याद रखना। एक मिनट रुक। एक मिनट में जो कहना है वो कहो। क्यों तू मुझे इतना टॉर्चर कर रही? अभी तूने उससे क्या कहा? तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना, ये काम है। वो जो मांगेगा तू उसे दे देगी? हाँ, बिल्कुल दे दूंगी। कुछ उल्टा सीधा मांग लिया तो? अब हंसना बंद कर प्लीज। किस बात पर हंस रही है? तेरी बात सुन के मुझे हंसी आ गई। एक बात बता, उल्टा सीधा का क्या मतलब? वो मैं नहीं बता सकता। वो दरअसल उसके बारे में मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। इंसान हो या जानवर, जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे। इज्जत भी नहीं जानते और बेइज्जती भी नहीं जानते। खैर, पैसा तो कमाना जानते हो या वो भी नहीं जानते? पैसा कमाना नहीं जानता, ये बात कभी मत कहना। कुछ ही दिनों में यहाँ के लोग मुझे करोड़पति कहेंगे। क्यों, अपना नाम बदलने का इरादा है क्या? जाओ है? जाओ भी। लीजिए, प्रसाद लीजिए। ए, कुमकुम लगा दो। भाई एक मिनट, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी शादी होके 15 साल हो गए। तो आज के दिन पार्टी हो जाए। मैं क्यों पार्टी दूं? अरे इनकी शादी की सालगिरह है, पार्टी ये देंगे। क्यों, सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, आओ भाई आओ। साहब, आज हमारे कुल देवता की स्थापना होने वाली है, आप आएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भाई जरूर आऊंगा मैं। बहुत बहुत ठीक है, हम सभी लोग आएंगे। अच्छा साहब। हाँ, तुम भी चलोगी ना? ठीक है, हम सब लोग पहुंच जाएंगे। जी साहब। हाँ, हेलो। हाँ ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके विश्वा। जी भाई। मैं शहर जाके आता हूँ, तुम लोग घर जाओ। लंच तक आ जाएंगे ना भाई? हाँ हाँ आ जाऊंगा भाई। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, कल मैंने अपना पेन यहीं रख दिया था, दिख नहीं रहा है, वही ढूंढ रहा हूं। क्या बात है गुरु, अचानक कैसे आ गए? बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कुछ दिनों से बिजनेस में बहुत टेंशन चल रही है। कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाहता था, यहाँ आना मुझे ठीक लगा इसलिए चला आया। तो कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? काफी दिनों से चल रहा है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। पिछली बार भी तुम यहीं आके ठहरे थे ना? हाँ सर, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कम ऑन, अरे तुम मेरे अपने होकर भी ऐसी बात कर रहे हो। हाँ मणि। सर सर, हम वॉचमैन से छुपकर अंदर आए हैं सर। क्यों, ऐसी क्या बात है? हम कुछ दिनों के लिए यहीं रहना चाहते हैं। डोंट बी फॉर्मल, जितने दिन चाहो रहो, तुम मेरे मेहमान हो। थैंक यू सर। गलती? हाँ, अगर कोई स्कूल में गलती करता है तो उसे घंटी बजाने को कहते हैं। अरे वो तो स्कूल में टीचर ने दी हुई पनिशमेंट होती है, और यहाँ लोग घंटी बजाकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हाँ तो तुम लोगों का अगला सवाल क्या है? मंदिर के पंडित जी और चर्च के फादर में क्या फर्क होता है? उस पंडित और इस फादर में कोई फर्क नहीं है, ये सब के सब इंसान को सही राह दिखाते हैं। हाँ इतना जरूर है कि हर कोई अपने तरीके से प्रार्थना करता है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग स्कूल जाते हो ना, तो बड़े होकर क्या बनोगे? डैडी की तरह मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, अब तुम घर जाओ, मैं घर वालों को लेटर पोस्ट करके आता हूँ। ओके बाय बाय बाय।
डैडी की तरह मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। शक्ति, तू डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। सुनो, आज तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे खानदान में पहली डॉक्टर तुम ही होगी। ये देखकर कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो, जानती हो मैं कितना खुश हूँ? तुम अपनी पढ़ाई को रोककर मुझे डॉक्टरी पढ़ा रहे हो, ये मैं कैसे? ए, क्या कर रही हो ये? छोटे बच्चों की तरह रो रही हो? तुम अच्छी तरह पढ़ो, खूब नाम कमाओ। चाओ बेटा, चाओ। इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर होकर किस तरह डर गए देखा ना। चुप कर भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर के सामने से किसी को भागते हुए देखा तो पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया तो ये मिला। पागलो जैसा हंस रहा है, अब जा। लोकेश जी की तरफ से 51 रुपए, ओके ओके। दीपक जी की तरफ से 42 रुपए। हाँ, लिख लिया लिख लिया। सब लोग हो गए? हाँ, हो गए हो गए। ऑटो रुको रुको रुको, 10 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे मुझे किराया दे करके जाओ, तुम वापस नहीं आए तो? चुप, एक कस्टमर के ऊपर विश्वास करके 10 मिनट रुक जाएगा तो क्या तेरा जहाज डूब जाएगा? किराया दो, मुझे जाना है कह के एक कटिंग पीने का भी टाइम नहीं दे रहा है मुझे। तू अपना मीटर याद रख, कितना हुआ टेंशन मत ले, पैसा दे दूंगा, समझा क्या? ऑटो वाला क्या इसके घर का नौकर है क्या? पता नहीं कहां से चले आते हैं। ए हट जाओ, 10 रुपए जेब में रखकर 10 लोग खाने को आ गए। ए इज्जत से बात कर। क्या हुआ, 10 रुपए है क्या तेरे पास? ये देख 50 रुपए है मेरे पास। ये देख उसका 10 गुना है, 500 रुपया, चेंज प्लीज। ए 500 रुपया तो क्या तूने सबको खरीद लिया है क्या? तो फिर तू भी 500 का नोट ले आ। हम लोग नोट नहीं छापते। इसका मतलब भाई साहब नोट छापते हैं क्या? सीधा खड़े रहना यार, छुट्टा दे देते तो मैं पहले रिक्शा वाले को रवाना कर देता, उसका मीटर बढ़ रहा है। अरे दे रहा हूँ भाई। हाँ। जल्दी जल्दी दो, ये ले। भाई भाई, तुम भी हमारे एरिया के रहने वाले हो क्या? एरिया वाले का बेटा हूँ मैं भी, वहीं रहता हूँ, मुझे नहीं पहचाना क्या? जान पहचान से क्या लेना, नोट मिलना चाहिए। ये बता कि तू चिंदी चोर कड़के का बेटा तो नहीं? हराम की खातिर सुधरना मत। बाप पढ़ाना भैया भैया, अरे भाई साहब नजर झुका के क्यों जा रहे हैं? मुझे पहचाना नहीं क्या? पहचाना नहीं सर। क्या भाई साहब, स्वामी के मंदिर के पास छुट्टा दिया था 500 रुपए का। हाँ, सही सही सही, अब याद आया, उस दिन स्वामी के टेंपल में छुट्टा दिया था ना? उस दिन तुम्हारे 500 का मैंने छुट्टा दिया, आज मेरे 500 का तुम छुट्टा दे दो, लेन देन बराबर, दुनिया बड़ी छोटी है भाई। तुम्हें छुट्टा चाहिए क्या? हाँ। लेकिन तुम्हें छुट्टी की क्या जरूरत? अरे आज मच्छी मार्केट बंद है ना। ओहो, खुला होता तो छुट्टी की क्या जरूरत पड़ती। ये सब हमेशा नहीं चलता ना भाई साहब, चलो क्या? ओके। अरे बाप रे, कहीं ये मेरा नोट ही तो मुझे नहीं दे गया? क्यों भाई साहब, असली नोट है या नकली ये देख रहे हो क्या? ये सब लोग नहीं पहचान सकते, नकली नोट छापने वाले कोयम्बटूर कृष्णा को मैंने ही पकड़वाया था। चलूं क्या?
कोयम्बतूर कृष्णा के बारे में तुमने क्लू दिया होगा, लेकिन तुम मेरे बारे में क्लू नहीं दे सकते। ऑटो संग 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 में तू संग डोल रे, जान मेरी जान मेरे संग डोल रे। ऐसे रास्तों पर हमेशा गाड़ी संभाल के चलानी चाहिए। कब समझेगा ये लड़का भी। डैडी आप चुप नहीं बैठ सकते क्या? अश्विन तू अकेला रहना तो चाहे जैसे चलाना, धीरे चला, बच्चे डर रहे हैं। किसी की बात सुनता कहाँ ये? अरे स्पीड कम कर। डैडी। अरे पहली बार गाड़ी में बैठी है क्या? डर क्यों रही है? मैं हूँ ना। अरे सुन गाड़ी धीरे चला। अश्विन डैडी की बात क्यों नहीं मानते? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। सब चुप बैठो। अश्विन अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। अश्विन ब्रेक लगाने की कोशिश कर, गाड़ी स्लो कर। अरे अश्विन कुछ करो। क्या कर रहे हो? अरे चुप रहो तुम। अश्विन कुछ तो नहीं होगा। अश्विन इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे कुछ भी कर यार, चिल्लाओ, गाड़ी रोक, डराओ मत। तुम लोग डरो नहीं। अश्विन रेलवे क्रॉस
क्रॉसिंग आ रहा है, सामने से गाड़ी भी आ रही है। अश्विन संभाल कर, अश्विन। चल नीचे उतर। क्या कर रहा था तू? हम सबकी जान लेना चाहता था? डैड, जस्ट फॉर अ थ्रिल। डैड, क्या थ्रिल? सबकी घबराहट के मारे जान निकल गई। डैड, मैं आराम से गाड़ी चला रहा था तो किसी को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तू जो कर, अब तू गाड़ी नहीं चलाएगा। चला, Dad, चला। विश्वा, तुम चलाओ। कभी भी कुछ भी करता रहता है। बड़े पापा, अब हम लोग कभी फंक्शन में नहीं जाएंगे। अब जल्दी से घर चलिए ना बड़े पापा। मम्मी। क्यों भाई साहब, आपको भी शराब चलती है? हाँ भाई साहब, ऑटो को एक लीटर, मुझे एक क्वार्टर, तब दोनों लेवल में रहते हैं भाई। हाँ। रात में पिए बगैर राय नहीं जाता भाई। कितनी बार पैसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दिवाला निकल ही जाता है भाई। अच्छा, तो दिवाला निकल गया, इस खुशी में पी रहे हो क्या? और नहीं तो क्या। और कितना दिवाला निकाला? मुझे दुनिया वालो शराबी न समझो, मैं पीती झांसी की रानी। आज पता चला कि जमीन भी शराब पीती है। ए काकी, पानी समझ के फेंक रही है तो पिएगी क्या? तो ऐसी बातें तू अपने जैसे मूछ वालों से करना। इस उम्र में इतनी शराब पिएगी तो तेरा क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। ए, मैं जल्दी हूँ रे। ए, लौट के नहीं आना, सीधा अपने घर जाना। ए, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, सब अपने जगह बैठो, बैठो ना। आगे बढ़ा, तो काट डालूंगा इसको, काट डालूंगा। ए, आगे मत बढ़ना, वरना इसका पेट काट डालूंगा। चाकू नीचे कर, चाकू नीचे कर। सीधा खड़ा रहे, हिल मत, हिल मत, हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे चाकू नीचे, चाकू नीचे। आगे नहीं बढ़ने का, इसको काट डालूंगा, काट डालूंगा इसको, मार डालूंगा। ए, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अबे अबे, क्या 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 क्या? ए, हिलना नहीं, हिलना, हिलने का नहीं। भाई साहब, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ सर, आपकी जगह कोई और होता तो अब तक 10 लोगों को बचा लिया होता। मेरी जान पे बनी थी और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। छोड़ो, जाने दो, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं सब देख लूंगा। कौन है सर ये? अरे ये पकिया है, बहुत बड़ा पॉकेट मार है, रोज यहाँ आता है, बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, पकड़ में नहीं आ रहा था, आज पीने के चक्कर में मेरे हाथ लग गया ये है। कैसे ऑफिसर है सर आप? छोटे मोटे लोगों को पकड़ने से क्या फायदा, बड़े को पकड़ के प्रमोशन लीजिए। बड़ा चोर मतलब? हाँ, जो नकली नोट छाप कर गवर्नमेंट को धोखा देते हैं, जो उनसे खरीदते हैं, और जो नकली नोट चलाते हैं उनको भी ना। जानते हो, मैं ऐसे ही बड़े चोर को पकड़ के अपना प्रमोशन कराने के चक्कर में हूँ। ऐसा हुआ ना दोस्त, तो 500 रुपए खर्च करके बहुत बड़ी पार्टी दूंगा तुम लोगों को। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। ए, चलो तुम लोग। हाँ। पहले इस पॉकेट मार को लेकर चलो यहाँ से। सर, गुड मॉर्निंग सर। एक फोटो निकाल लो सर। नहीं, मैं बहुत अच्छा निकालूंगा सर, ऊटी की यादगार के लिए निकाल लो सर। अरे नहीं निकालना। देखिए सर, कितने अच्छे फोटो निकाले हैं मैंने। क्या करूंगा भाई देखकर। हाँ हाँ, सर ये देखिए ना, मैं अभी आता हूँ। दीदी अभी आ रही है घर पर, उससे कहना कि मैं सो रहा हूँ, मैं उसे बाद में मिलूंगा। क्यों, प्लेन लेट था क्या? ओहो, अब छोड़ो भी। बिल्कुल बच्ची जैसी हो। आपके लिए तो मैं अभी भी बच्ची हूँ ना। अच्छा ये बताओ, मैं आ रही हूँ ये बात शक्ति को बताई क्या? आते ही शुरू हो गई, वो तो अभी तक बिस्तर पर ही पड़ा है, देख लो। क्यों बेटा, ऊटी में कैसा रहा? सारे टूरिस्ट प्लेस घूम कर आ रही हूँ, बहुत बढ़िया था, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ऊटी में और हरियाली? आप कभी गए हैं क्या? जो आपको मालूम होगा, जाएंगे तो देख लेना। क्यों, डॉक्टरी पढ़ना है, ये लो।
अरे ये फोटो किसका है? ये मेरा ही फोटो है, ऊटी के गार्डन में निकाला था। इसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। अब और देर करोगी तो मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। जाइए ना, कॉफी लेकर आइए। चाहिए? ए, पहले तो शक्ति से बात कर, मैं अभी आता हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ऊटी से लाई हूँ। पहले अपना फोटो दिखाओ। इसका मतलब तुम सो नहीं रहे थे? हम लोग हनीमून मनाने ऊटी ही जाएंगे, इसी जगह पर साथ में फोटो निकालेंगे, ओके? क्यों डेनियल, आज संडे है, चर्च नहीं गए? नहीं सर, कुछ काम था। तुम्हें मैं अपने साथ ले जाने के लिए आया था। तुम द उत्सव लवली डार्क एंड डीप पढ़े हो क्या? नहीं सर। उसी तरह यहाँ एक डार्क एंड डीप गुफा है, जैसा किसी ने ना देखा हो ना सोचा हो। अब मैं कैसे समझाऊं, कुछ लोग वहां एंजॉय करते हैं और कुछ लोग डर जाते हैं, और तुम? मैं कभी डरता नहीं हूं सर। वेरी गुड, ओके डेनियल, नेक्स्ट वीक तैयार रहना। किसके लिए सर? डरने के लिए। ए! डेनियल, क्या कर रहे हो तुम? तुमने अभी अभी क्या कहा? जो किसी ने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा थ्रिल है, यही कहा था ना? शक्ति! डेनियल, अपने आप को जख्मी क्यों कर रहे हो? जाओ डेनियल, जाओ यहां से। गुड मॉर्निंग सेड द बेबी रैबिट। तुम बोलो। गुड मॉर्निंग सेड द बेबी रैबिट, बट द बेबी रैट डिड नॉट आंसर। Can't you hear me? Daddy, Daddy, Daddy! अश्विन, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? Daddy कहाँ है? पहले क्या हुआ ये बताओ। Daddy कहाँ है बताओ? अश्विन, क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन में हो? चाचा, डेनियल ने अपने आप को जख्मी कर लिया। चाचा, जख्मी कर लिया? हाँ चाचा, जख्मी कर लिया। ये कैसे हो सकता है? क्या चिल्ला रहे हो? Daddy, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। Daddy, तुम्हें डर लग रहा है? आप थोड़ा चुप रहिए भैया। अश्विन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पहले ये तो बताओ हुआ क्या है। आप बोलो भैया। डैडी, मैं डेनियल को साइलेंट वैली ले जाने के लिए ऑफिस गया, उसने आने से मना कर दिया, मैं तुरंत वहाँ से निकलने लगा, लेकिन उसने तराजू का वाट उठाकर अपने हाथ को और सर को जख्मी कर लिया, लहू लुहान हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। शट अप, जरूर तूने ही कुछ किया होगा, इडियट। डैडी, मेरा यकीन कीजिए। डैडी, डैडी, डेनियल, 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 माय गॉड, डेनियल, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, बताओ। कुछ नहीं सर, कुछ लोग आए और मारकर भाग गए। डेनियल, अश्विन कह रहा था कि तुमने ये सब खुद किया। हाँ, क्या ये सच है डेनियल, बताओ। ये सब कैसे हो गया? कमॉन, कमॉन डेनियल, कमॉन, बताओ सच क्या है, बताओ, बताओ डेनियल। सर छोड़िए, किसने किया ये सब? अश्विन ने। डैडी, मैंने कुछ नहीं किया। डैडी, चुप रहो तुम। मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने तुझे कब मारा? चुप रहेगा तू?
यहाँ किसी की जान पे बनी और बकबक कर रहा है? Get out from here. क्या सर, बात करके टाइम पास कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले चलते हैं. चलिए उठाइए उठाइए. डैनियल, तुम्हारे घर वाले को इन्फॉर्म कर दूं क्या? नहीं सर, वो सुनेंगे तो घबरा जाएंगे. मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा. आई एम वेरी सॉरी डैनियल. क्या सर, इट्स ओके, लेटे रहो. अश्विन को हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं. ये बात सभी जानते हैं कि ही इज नॉट नॉर्मल डैनियल. प्लीज सर, पेशेंट को आराम करने दीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए. आई एम वेरी सॉरी डैनियल, यू डोंट वरी, हम लोग फिर मिलने आएंगे. लोगो, डैनियल का ख्याल रखना है. ओके सर. सी यू डैनियल. जी सर, टेक केयर. चलो चलें. अपना ख्याल रखना. थैंक यू सर. बेचारे को जख्मी कर दिया है. हाँ। किसी ने हमला कर दिया इसमें ना? डॉक्टर, ये मेरा शक्ति है. डोंट वरी, इसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले चलो. शक्ति, सब ठीक तो है ना बेटा? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा. तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते. मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी. Thank you.
सातों जन्म का बंधन है ये सनम, बिछड़ेंगे हम ना कभी तेरी कसम। आके बस जा तू मेरी दिल की धड़कन में सनम, आंसू हो तुम जीवन की, प्यास हो दिल की सनम। ओ साजनो बालमो ये जिंदगी है तेरी, सुन 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 मेरे हमनशी। तुम हो मेरे हमनशी, मेरे तुम तेरे हम तेरे है हम सनम, मेरे तुम तेरे हम तेरे है हम सनम, तेरे हम दम जान एक जिस्म दो हम, तेरे हम दम मेरे तुम मेरे तुम मेरे डैनियल, तुम कौन हो? तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझसे मारा मारी करना चाहते हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। डैनियल, ये तुम क्या कर रहे हो? ए, 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 ऐसा क्यों कर रहे हो? ए, आखिर तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ए, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ। डैनियल, अरे कोई बचाओ, डॉक्टर सिस्टर कोई बचाओ, बचाओ। डैनियल, डैनियल, डैनियल मुझे मारना चाहता है, बचाओ। डैनियल, डॉक्टर, हेलो, व्हाट? सेम मेडिसिन देते रहे ना डॉक्टर। देखो डैनियल कैसा है, चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। उसे कोई खतरा तो नहीं? नहीं, अभी उसे ऐसा कोई पुलिस कंप्लेन आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन वो आपका बेटा है। ओ, अरे देख के। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सर, मैं दवा लेने के लिए बाहर गया था तभी ये सब हुआ। अरे अरे तुम लेटे रहो, किसने किया ये सब? सर मुझसे मिलने के लिए यहाँ अश्विन आया था, वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, अचानक खून की बोतल निकाल कर फेंक दी, फिर उसने मुझ पे चाकू से हमला कर दिया। सर किसी तरह यहाँ के स्टाफ ने आकर मुझे बचा लिया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। तुमसे उसकी कोई दुश्मनी है क्या? सर उससे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है सर, पता नहीं वो बार बार मुझ पर हमला क्यों कर रहा है सर। लेकिन लेकिन क्या सर, सबके सामने। इट्स ओके डैनियल, प्लीज टेल मी। उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए सर। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है सर। उसकी गलती के लिए तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? तुम जानते हो वो पागल है। डॉक्टर, पेशेंट को घर ले जा सकता हूँ? ले जा सकते हैं, लेकिन ड्रेसिंग चेंज कराने के लिए आपको रोज आना। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज कम। क्या बात है डैनियल? कोई गलती हुई हो तो माफ करना सर, आपने मुझ पर दया करके अपने यहां नौकरी दी, मुझे अपना समझा, लेकिन आज के बाद मैं यहां रह के आपको तकलीफ नहीं देना चाहता सर, मैंने गांव लौटने का फैसला कर लिया। डैनियल, अश्विन तो दिमाग से थोड़ा पागल है, लेकिन तुम तो ऐसी बात मत करो। किसी जन्म में मैंने अच्छा काम किया होगा जिससे तुम हमें मिले, तुम हमें छोड़कर जाने की बात कर, हम सबको दुख मत पहुंचाओ प्लीज। रात बहुत हो गई, अभी तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे।
वो आराम कर रहा होगा, तुम लोग यहीं रुको, मैं मिल के आता हूँ। ठीक है सर। हाँ, आप सब बैठिए, बैठो बैठो। हाँ अश्विन, 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 ए अश्विन। अरे अश्विन कहाँ है? अश्विन, अश्विन यहीं पर तो था, मैं अंदर गया तो शायद बाहर की कड़ी लगाकर चला गया। कहाँ गया होगा? घर गया होगा। ओह माय गॉड, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे, चलो। हाँ। ए डैनियल, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बता, ऐसा क्यों कर रहा है तू? डैनियल, सुनाई नहीं देता, कहाँ जा रहा है? रुक जा। ए डैनियल, ए डैनियल, मुझे आग लगाकर जलाना चाहता सर। ये देखिए, ये देखिए सर, आग। डैडी, ये मुझे जलाना चाहता सर, देखिए पूरी आग लगा दी सर, इसके अंदर बंद करके मुझे जलाना चाहता था सर। अश्विन, देखिए सर, सर इसको कुछ मत कीजिए सर, सर मैंने क्या ये सर किया है? इसे बंद करिए सर, ने किया सर, ये झूठ बोल रहा है। जाने दीजिए सर, मेरी बच्चों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया इसने। माय गॉड, सब चल गया सर, सर्विस मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अनीता, अनीता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे
निकालने जा रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। चाची 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 मुझे बचाओ, चाची चाची चाचा चाचा डैडी मुझे बता रहा है। डैडी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डैडी डैडी ये सब डैनियल की चाल है। जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख है सर। यह सब मेरी किस्मत पे लिखा है, तुम्हारा आप करो। ठीक है सर। हेलो लोगों, मैं इशू बोल रहा हूँ। ए तूने जो दिया था ना वो काम हो गया है, अगला काम कब दे रहा है? मैं बहुत जल्द सूटकेस लेकर आ रहा हूँ। जल्दी आ रहा है। सर आपके छोटे भाई। आओ विश्वा, फ्लाइट कितने बजे की है? 4 o'clock। DCP से मैंने फोन पे बात कर ली है। हाँ हाँ, वो क्या कह रहे हैं मुझे बता देना। अच्छा भाई, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कर देना तुम। ठीक समझ गए ना भाई? क्या विजय भी जाना चाहती है? अगर आप कहें तो मैं इसे साथ ले जाऊं। इसका वहां क्या काम? ऑफिस के काम से जा रहा हूं ना। हाँ। ये वहां क्या करेगी? क्या तुम्हें यही टाइम मिला इसे घुमाने के लिए? देखो इसे साथ मत ले जाओ, जो काम मैंने कहा उसे निपटा के आ जाओ। अगर ये वहां चली गई तो घर कौन संभालेगा? वहां से आने के बाद इसे घुमा फिरा देना, ठीक है ना? ठीक है भाई। क्यों छोटी, ठीक है ना? ठीक है भैया। ठीक है, तुम लोग जाओ। क्या हो गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर हो गई है। क्या सर, हा? तुम डेली ऑटो में घूमते हो, हा? इसको बस समझ लिया है क्या? है। मैं ऑटो में जाऊं, बस में जाऊं, कार में जाऊं, फ्लाइट में जाऊं, तुझे क्या तकलीफ है? अरे साहब ये ऑटो मेरा नहीं है, आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं मालिक को क्या दूंगा? ठीक है तू ज्यादा बात मत कर, कुछ ही दिनों में तू ऑटो का मालिक बन जाएगा। अरे नहीं 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 साहब, मैं तो मिनी बस लेना चाहता हूँ, आप मुझे ऑटो में कहाँ फंसा रहे हैं? जिससे तू रोजी रोटी कमा रहा है उसका मालिक बनने का तेरा दिल नहीं, और क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, मेरा भाड़ा दे दो बस। ठीक है 600 हुआ ना, मैंने सोचा 1000 होगा तो इकट्ठा दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं, ये अभी आधा रख ले, बाकी आधा आके देता हूँ। ओके दो मिनट में आ रहा हूँ। थैंक यू साहब। लोकल है या स्टडी? तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं अंदर आ रहा हूँ? आंख वाले को तो दो ही आंखें होती हैं, पर अंधों की ढेर सारी। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। एसटीडी करना है, 500 का नोट है, छुट्टा है क्या? थोड़ी देर बात करना है या कल तक बात करना है? देखा, जिसके पास आंख नहीं होती उससे बात करने से ऐसे ही उठपटांग जवाब देता है वो। ये पकड़ो 500 रुपए, जितना बिलो काट लेना, बाकी का लौटा देना, समझा? हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, जल्दी बाहर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। किसका फोन था सर? लोगों का फोन था, 10 साल की उम्र में अपनी लंगोट फाड़कर मेरी इज्जत बचाई थी। ए बाकी का छुट्टा दो। थोड़ा रुको, लड़के को छुट्टा लाने के लिए भेजा है। क्या कहा? उसके आने तक मैं यहाँ बैठ के इंतजार करूंगा क्या? घबराइए नहीं सर, वो आता ही होगा। ठीक है बाहर मैं अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही वो आए उसे भेज देना, समझ गया? ओके। किधर है तू? आजा बैठ जा। आजा। क्या रे तू सुबह आने वाला था? नया नोट छापा है, सूखने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ये भी सही है इशू, यहाँ की लगभग सारी दुकानों में नोट घुमा चुका हूँ, बार बार जाने में प्रॉब्लम होगी यार। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक नई मशीन आई है, वो मशीन डिक्की में रखी है, तुझे बाद में दिखाता हूँ। डार्लिंग जरा वो सुन के दो। ले लो लोगो। इसमें क्या है? जिन लोगों को तूने नकली नोट दिया है उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो ये पैसा उन्हें दे देना, और जब पैसे की लालच में वो लोग तुम्हारे पास आएंगे उन्हें पकड़कर डबलिंग मैटर करना होगा। बस डबलिंग क्या है? डबलिंग का मतलब 1 का 2, 1 लाख का 2 लाख। पब्लिक पागल है ना, वो भटकती है पैसे के लालच में। तुरंत गाड़ी खरीदना है, तुरंत बंगला खरीदना है, तुरंत चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं लोग। ऐसे लोगों को अपने कब्जे में ले लो, उसके बाद हम लोग राजा है। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे भागो पुलिस, भागो भागो, अरे भागो। अरे क्या हो गया साहब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे मत मारिए, अरे कुछ नहीं किया, पकड़ो तुझे। अरे क्या कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, अरे क्या कर रहे हो? गाड़ी में हेलो, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी में आप सुनिए। अरे प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे
10 साल की उम्र में इसने लंगोट फाड़कर मेरी इज्जत बचाई थी, आज इसी के कारण फिर लंगोट में आ गया। हे भगवान, अब क्या होगा साहब, आप ही सोचिए। तुम लोगों के लिए एक छोटी सी सजा है, अगर सच नहीं बताया समझ लेना तुम लोगों का मार मार करके। अरे सर क्या बताए सर, हम कौन है हम खुद ही भूल गए। मुझे पहले ही पता था तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता आया है। तुमने कहा था ना मुझे कोई बड़ा केस पकड़ के प्रमोशन देना चाहिए ना, ये रहा प्रमोशन। सर क्या, ये रहा प्रमोशन। सर ये लोग क्या करते हैं ये आप जानते हैं? जानता हूँ, ये लोग हमेशा 500 का चेंज कराते थे, तभी मुझे संदेह हो गया था। संदेह हो गया तो क्या एसीपी हो गया क्या? सर 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 थोड़ा गैप रख के मारिए सर। ये सर यहाँ पर आंख वाले अंधे बनकर घूमते हैं, पर अंधे तो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तुम लोगों को मार मार के मेरा हाथ दर्द हो रहा है, नकली नोट बाजार में चलाते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? लोगों तू नहीं सुधरेगा, इतना पिटने के बाद भी हंस रहा है, तेरे बारे में सोचता हूँ। चोरों के सरदार, नकली नोट और असली नोट में क्या फर्क होता है? मैंने पूछा था तो तूने कहा था सिर्फ एक तार का। ये कहकर आज मुझे सलाखों के पीछे ले आया, मारूंगा तुझे। मारे मुझे क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा यार? नहीं सुनो, तुमसे मिलने कोई लड़की आई है? तुझसे मिलने कोई लड़की आई है? लड़की नहीं, औरत। तुम यहाँ पर क्यों आई हो बेबी? जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जाओ 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 जाओ। हम समाज में इज्जत से जी सके इसलिए मैंने तुम्हें चार पैसे कमाने के लिए कहा था। तुम्ही ने पैसे कमाने के लिए कहा था? अगर मैं जल्दी से पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं चुनता तो ये हाल नहीं होता। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ लोगो, तुम छूट कर कब आओगे? तुम फिक्र मत करो बेबी, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इंसान कई ठोकरे खाता है, ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। पर बेबी तुम परेशान मत हो, हर्षद मेहता इतना बड़ा घोटाला करके छूट गया तो मैं तो छोटा सा घोटाला किया हूँ, मैं जल्दी छूट जाऊंगा। बेबी तब तक तुम मेरा इंतजार करोगी या किसी और की हो जाओगी? नहीं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर मेरी शादी तुमसे होनी है तो तुम ही से होगी। होनी है होनी है क्या, हम जरूर शादी करेंगे। भारतीय नारी होके इस तरह की बातें करती है तू? नहीं दीदी, मछली मैं पकड़ूंगी। ठीक है बाबा, दोनों पकड़ना, ठीक है जल्दी चलो। डैडी हाँ, ये अश्विन की बुक है ना? हाँ बेटा। ये कैसे बुक है डैडी? ये फ्यूचर के बारे में जानकारी हासिल करने वाली बुक है बेटा, इट्स वेरी टेरिफिक। बड़े पापा आप बुक पढ़िए, तब तक हम लोग फिशिंग करके आते हैं। ओके अच्छा बेटा, बच्चों का ख्याल रखना, बी केयरफुल। ओके गुड मॉर्निंग, कैसे हो डेनियल? सर फैक्ट्री के टेम्परेरी लेबर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप भी चलते तो। ठीक है चलता हूँ। विजय विजय जरा मेरा कोट और कैप लेके तो आना। तुम रुको मैं आता हूँ। मैं ले आता हूँ सर। नहीं नहीं मैं जाता हूँ, आप बैठिए सर, मैं ले आता हूँ। अच्छा ठीक है। थैंक यू विजय विजय, मैं ऑफिस जाके आता हूं। हाँ आओ। बड़े पापा बड़े पापा, हाथ की सफाई देखनी है, निकल आओ ना। पुलिस वाले के सामने चीटिंग कर रही है, अरेस्ट कर लूंगा। ये सब तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने सिखाया है क्या? डैडी चाची की तबीयत ठीक नहीं है। ओह अरे क्या हो गया, डर क्यों रही हो? मैं हूं। लेटी रहो तुम, क्या हो गया तुम्हें? वो
अरे बुखार है तो तुम्हें दिन में ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए था ना। हाँ इस वक्त बहुत देर हो चुकी है, बुखार नहीं उतरा तो कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अच्छा हाँ अब सो जाओ। विश्वा कम ऑन भाई, पहले आप ही खिलाइए ना। इधर आना। तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी शादी होके 15 साल हो गए। भगवान मुझे क्षमा करना। विजय, अरे विजय क्या हुआ? विजय हाँ क्यों रो रही हो? बताओ विजय बताओ, ये तुम बताओ ना, तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा मुझे आखिर हुआ क्या। आप जब यहाँ नहीं थे। जब मैं यहाँ नहीं था? भैया भाई नहाते समय वो मुझे छुपकर खिड़की से देख रहे थे, उनकी नीयत ठीक नहीं है। खबरदार जो आगे कुछ कहा जान से मार दूंगा तुझे। उन्होंने मुझ पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ सच है। उनका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। ये बात सुनकर आपको भी दुख हुआ होगा, ये मैं जानती हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुझे जान से मार दूंगा नालायक। आप क्या कर रहे हैं? डेनियल हटो, हटो डेनियल। डैडी प्लीज। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? चाहिए मेरे पति पर आपको हाथ उठाने का कोई हक नहीं। बस करो चाची, अब बस करो, बहुत हो गया। आज तक आप लोग इन्हीं के साथ रहे हैं, लेकिन आज छोड़कर जा रहे हैं आप। आपके आपके बड़े भाई हैं ना ये? तो भाई नहीं बाप। मेरे अपने ना होने के बाद भी इन्हें मैंने बाप का दर्जा दिया है, लेकिन ये इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत करेंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तू यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? जा गाड़ी में बैठ, जा जा। शादी के 4 साल बाद ही हमारी माँ गुजर गई, उसके बाद इन्होंने शादी करने का सोचा तक नहीं, सिर्फ हम लोगों के लिए। वो उनका खुद का फैसला था, इन्होंने दूसरी शादी नहीं किया तो क्या दूसरे की बीवी पर नजर डालेंगे? ऐसी घटिया हरकत है। बस चला जाए यहाँ से। तुम लोगों की खुशी के लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और आज मुझे पे शक कर रहे हो? जी तुम्हें भाई कहते हुए शर्मा। आप किन लोगों के लिए रो रहे हैं डैडी? जिन्हें हम अपना समझते थे वही लोग आज हमें छोड़कर चले गए यहाँ से। उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो आपके पैरों पे गिरकर माफी मांगेंगे। सोच रहे हैं डैडी?
कुछ नहीं। अगर आप कहें तो मैं मंदिर जाकर आऊं। क्या बात है मिस्टर सावंत? चेन्नई का गुरु नाम का एक मशहूर गुंडा आपके यहाँ रह रहा है, इस बात के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली है। गुरु कौन है वो? वही जो आपके रिटायरमेंट से पहले एक एनकाउंटर में बच गया था। आई सी। आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का डिपार्टमेंट को शक है सर। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आप पर कातिलाना हमला कर दे, इसी बात की हम लोगों को फिक्र है सर। गुंडे तो वैसे बहुत है, लेकिन मेरा उनसे क्या लेना देना जो मैं उन्हें बचाऊं। एनीवे थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। डैनियल, अपना नाम बताइए। सकथिवेल। जल अर्पण कीजिए। अब पिंड को जल में प्रवाहित कर दीजिए। सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना नाम क्यों बदला? डैनियल बनकर हमारे बीच क्यों रह रहे हो? किस बात का बदला लेने आए हो? हाँ, तुम्हारा चाहे जो भी मकसद हो, तुम गुंडे हो या शरीफ, एक न एक दिन तुम्हारा पर्दाफाश जरूर होकर रहेगा। ये बात तुम याद रखना। यू डॉकिंग क्रिमिनल, पैसों के खातिर एक शरीफ परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। क्या जानना चाहती हो तुम? यही ना कि मैं कौन हूं? मेरे मकसद के बारे में जानना चाहती हो? एक शरीफ परिवार को गलतफहमी का शिकार बनाकर किसने बर्बाद किया, ये जानना चाहती हो?
यही जानना चाहती हो ना? क्या जानना चाहती हो? मैं हाउसवाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। अरे ये क्या क्या हुआ? रुको मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही है? जरा सिगरेट देंगे क्या? सिगरेट पी रहे थे ना? तुमने मुझसे क्या कहा था? वो मैं क्यों रे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बताना तो चाहता था लेकिन वो खुद बताएंगे ये सोचकर नहीं बताया। मुझसे झूठ बोलता है? हाँ चल ए, ये तुम्हारा रिश्तेदार है? यही तो है वो जिससे मेरी शादी होने वाली है, मेरा शक्ति। व्हाट? इस बात से तुम्हें झटका लगा? मुझे झटका लगा या नहीं ये छोड़, तेरे पापा इतनी तकलीफ से तुझे पढ़ा रहे हैं, उन्हें जब इस बात का पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी ये सोचा है? एक मामूली पेंटर के साथ शादी के लिए क्या वो राजी होंगे? उन्होंने तो पहले ही हाँ कह दी है। सॉरी, ये हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है लेकिन तुम क्या करते हो इसने आज तक हमें नहीं बताया, इसीलिए हम कंफ्यूज थे। आपने और कुछ गलत नहीं कहा लेकिन एक पेंटर की पेंटिंग के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक पेंटर और एक डॉक्टर में क्या फर्क है तुम लोग जानते हो क्या? हम लोग ब्रश पकड़ते हैं, वो लोग इंजेक्शन पकड़ते हैं, समझ गए ना? ओ छोटे साहब, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दिया। अरे अरे, एक काम भी तू ठीक से नहीं कर सकता, जा जा यहां से। कौन है ये? नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग? ये मेरा बेटा है महेश्वर, अभी और ये एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओह आइए आइए, चलो आइए। अभी आइए ना, बैठिए। नमस्ते। डैडी आप शायद इन्हें नहीं जानते हैं, ये मेरा क्लासमेट है। महेश्वर के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ग्रानी इंडियाना तुम जानते हो ना शक्ति? हाँ जानता हूँ दीदी, कॉफी। देखिए आप तकलीफ मत कीजिए भैया, जिस काम से हम लोग आए हैं वो। देखिए हम लोग अच्छे काम के लिए आए हैं, महेश्वर के लिए हमने एक लड़की पसंद की थी लेकिन ये आपकी लड़की अभी के साथ शादी करना चाहता है। अपने पसंद का रिश्ता करने से बेहतर है कि हम बच्चों के पसंद से ही शादी करें, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ए जी, आपको क्या लगता है ये मान जाएगी? तुम चुप रहो। अभी के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ये तुम क्या कह रहे हो शक्ति? अंकल आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आप लोग जिस काम से यहाँ आए हैं वो नहीं हो सकता है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये बात अगर महेश्वर ने मुझे पहले बताई होती तो आज आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। सच कहूँ तो मैं इसे सच्चे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती हूँ। मैं शक्ति से प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। शक्ति ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इसने हमेशा सिर्फ मेरे ही बारे में सोचा है। अगर आज आप लोगों को मैं ये बात नहीं बताती तो तीन जिंदगियां तबाह होती, इसीलिए मैंने ये बात आपसे कही है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नई लड़की की खुशी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे लेकिन तुम किसी और से प्यार करती हो, इसमें बुराई क्या है? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा सुखी रहो। नमस्ते। नमस्ते। चलती अच्छा, हूँ बेटी। अच्छा चलते हैं बेटा। नमस्ते। 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 चलते हैं। नमस्ते। आज तुमने हमारी इज्जत रख ली बेटी। Thank you.
अगले महीने की 15 तारीख को इनकी शादी के लिए बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, तो फिर यही मुहूर्त रख लेते हैं। मुंबई के राज परिवार के सुपुत्र रमेश वेद के पुत्र शक्ति वेद के साथ मुंबई के अभय राज की सुपुत्री अवि का विवाह अगले महीने की 15 तारीख शुक्रवार को संपन्न करने का निश्चय किया गया है। शगुन बदलिए। अरे ये क्या, लड़के के घर से कोई नहीं आया क्या? शक्ति का कोई नहीं है, उसके माँ बाप यही हैं, सब कुछ यही हैं। शक्ति, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? हमारे क्लास में जो पद्मा थी ना, कुछ दिन पहले उसकी शादी हो गई। जानता हूँ। शादी होने के 3 महीने के अंदर ही वो पति को लेकर घर से अलग हो गई। हाँ। क्या हुआ? और वो मेरी दूसरी सहेली है ना सुजाता, उसने शादी के दूसरे महीने में ही पति का घर छोड़ दिया। मैं ये कह रही थी कि क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? अरे अरे ए शक्ति, तूने इस पर हाथ क्यों उठाया? तू अपनी बहादुरी दिखा रहा है क्या? हाथ उठाया? क्यों उठाया बता शक्ति। अब पूछ रहा है ना, तो बताना क्यों नहीं? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उसी से पूछ लीजिए ना। कहती है पद्मा चली गई, सुजाता चली गई, उन्हीं की तरह मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। घर छोड़कर जाएगी तू? अरे लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, उनके जैसा करना तो दूर मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं यही कहने जा रही थी, तुम भी ये दोनों अच्छी जोड़ी है। बुद्धू, जो तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में है, तो मेरे बारे में तुमने गलत कैसे सोच लिया? हाँ अब माफ कर दो ना। ये लीजिए, टीका लगा लीजिए। अब इन्हें भी टीका लगा दो, हम लोग जा रहे हैं। अब जा सकती हूँ। ठीक है, जल्दी चलो। शाम को कहाँ मिलोगी? मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके ओके बाय। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स हैपनिंग हियर? गुरु के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है सर, वो मुंबई में ही है सर, और आज शाम को 6 बजे वो अपने दोस्तों से शिवाजी चौक पे मिलने वाला है। मेरे खास खबरी ने मुझे ये पक्की इंफॉर्मेशन दी है सर। So, मैं एनकाउंटर का प्लान बना चुका हूँ सर। एनकाउंटर? यस सर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बस आपका ऑर्डर चाहिए। किससे पूछकर तुमने एनकाउंटर प्लान किया? इतना बड़ा डिसीजन तुमने लिया कैसे? सर गुरु बहुत बड़ा क्रिमिनल है सर, 11 खून, 7 किडनैपिंग, 5 हफ्ता वसूली, इसके अलावा और भी बहुत सारे केस है सर। मुझे शूट एट साइट का ऑर्डर चाहिए सर। तुम अपना ऑर्डर अपने पास रखो, सिटी में एनकाउंटर करने का अंजाम क्या हो सकता है जानते हो? प्रेस वाले, टीवी वाले सब लोग मिलकर रातों रात एक गुनहगार को हीरो बना देंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? कोई भी काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। तुम्हारी अकल घास चली गई है? मेरे एनकाउंटर प्लान में आप आड़े मत आइए सर, गुरु का केस बहुत मजबूत है, उसके बचने के चांस बहुत कम है सर। अरे तुम्हें क्या, तुम तो मार के चले जाओगे। डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक एक-एक को जवाब देते देते मेरी हालत खराब हो जाएगी। आई विल नॉट एग्री फॉर दिस एनकाउंटर। आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस एनकाउंटर को नहीं रोक पाएंगे सर। आपने मुझे इजाजत नहीं दी ना, तो मैं होम मिनिस्टर से ऑर्डर लेकर इस एनकाउंटर को अंजाम दूंगा सर। लगता है तुम्हें प्रमोशन का भूत सवार है ना? हेलो गुरु। हेलो 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 हेलो, तेरे एनकाउंटर का प्लान बन गया, तू भाग जा। हेलो, अरे यार कैसा फोन है, कुछ सुनाई नहीं देता, छोड़ ना यार।
इनकाउंटर कहाँ प्लान किया है? इसी जंक्शन पर एनकाउंटर का प्लान किया है सर। बस स्टॉप के बाजू में हमारा इंस्पेक्टर बैठा है सर, और नारियल पानी वाला भी हमारा ही आदमी है सर। तुम्हारे सारे डिसीजन गलत हैं। सबको उधर भेजो। सर, ही इज कमिंग सर। चार्ज। नो, नो, यू कांट डू दिस। शूटआउट में एक बेगुनाह लड़की की जान चली गई सर। पता है, तभी मैंने कहा था तुम्हारा प्लान गलत है। अब पब्लिक और प्रेस वाले को कौन जवाब देगा, तुम या मैं? असेंबली का लफड़ा अलग, वहां राजा ने क्या होगा। ये उसी का घर है? यस सर। कहां है वो? किसके बारे में पूछ रहे हैं? अंदर जाके देखो। यह आप लोग क्या कर रहे हैं? गुरु कहाँ है? गुरु? इस नाम का यहाँ पर कोई नहीं रहता है। झूठ बोल रहे हो तुम, वो यही रहता है। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। तेरी एक लड़की भी है ना? हाँ। तुम्हारी लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ रहती है या तुम लोगों की मर्जी भी है इसमें? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी अपने भाई को बुलाती हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? जल्दी बुलाओ उसे। वो पास में ही पेंटिंग का काम करता है। साहब, अंदर कोई नहीं। सर, गुरु यहाँ पर नहीं है सर। यहाँ नहीं है सर। हम लोग फिर लौट के आएंगे, तब तक कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एजी, वो यहाँ आया ऐसा नहीं लगता सर। उस लड़की के होने वाली पति की पेंटिंग की दुकान पास में ही है, शायद वो उधर। ओके, चलो। बड़ी दीदी, ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुनो भैया, जरा दुकान पर से शक्ति को बुला लाओ। आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, पर किसी ने नहीं पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। हम लोग यहाँ बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे, तुम्हारी लड़की किसी गुंडे की रखेल बनी हुई है। ये बात हमें आज पता चली कि इसके पास पैसे कहाँ से आए? हाथी के खाने के दांत और दिखाने के, और यही पढ़ाई करके आई है क्या? इन लोगों की बातों पर ध्यान कर दीजिए। संभालिए अपने आप को। अरे निकाल लो इन लोगों को बाहर यहाँ से। क्या सर, नंबर प्लेट लिखवानी है क्या? कहाँ है तेरा सेट? भाई यहाँ आओ भाई। नमस्ते सर। गुरु यहाँ आया था क्या? गुरु, मैं उसे नहीं जानता सर। तेरी होने वाली बीवी को रखेल बना के रखा है, तू ही नहीं जानता? ये नाटक कर रहे हैं सर, ये दोनों मिल बांट कर उस लड़की को खा रहे हैं। पुलिस वाले बात उठाता है बे। ये उस लड़की का मंगेतर है सर, इसे पूछने गए तो इसने हम पर हाथ उठा दिया। क्या साहब, मुझे ऐसे क्यों मालूम? नहीं जानता, पता चल जाएगा। Yeah.
के शिवाजी चौक के रहने वाले शक्तिवेद पुत्र रमेशवेद पुलिस इंक्वायरी के वक्त पुलिस वालों पर हाथ उठाने और हमला करने के जुर्म में ये अदालत दफा 186 के तहत उसे 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हैं इस शहर के पुलिस कमिश्नर। आज का उपहार ये अपने शुभ हाथों से वितरित करेंगे। पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं सर। ए, बात मत करो, रुक जाओ। क्या जानना चाहते हो? 100 गुनाहगार भले ही बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए ना सर? ठीक कह रहे हो। तो मुझे क्यों सजा दी गई है? ए, आगे बढ़ो। कौन है ये? ये गुरु के एनकाउंटर केस में अंदर आया है सर। बताइए सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इन पुलिस वालों ने मुझे गलती से पकड़ा है सर। जवाब दीजिए सर। कानून मुझे इंसाफ दे सकता है या नहीं, इस बात का मुझे पता नहीं है सर, लेकिन खाकी वर्दी वाले एक ऑफिसर से हटकर इंसानियत के नाते बताइए सर कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलिस शूटआउट में एक लड़की की जान चली गई थी, लेकिन उसे 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 ये लड़की गुरु की रखेल थी और उसका इंतजार कर रही थी। हम पे और हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आए, इसके लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक बेगुनाह लड़की की मौत की खबर फैलेगी तो गुनाह हमारे सर आ जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन सीबीआई वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। देखो ये बात हम दोनों के बीच रहेगी, इसीलिए मेरी बात मान लो। आई एम सॉरी सर। जस्ट ओबे माई ऑर्डर। पुलिस की गोली से अभी की मौत हो गई, इस बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके सच कहने पर भी आप पर अधिकार का रौब जमाकर एक लड़की के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया सर। <स्थ
आई एम सॉरी। 6 महीने जेल काटकर बाहर आया तो खुशियों से भरा मेरा घर शमशान में बदल चुका था। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले तेरे बाप को और उसके परिवार को मैं कभी चैन से नहीं रहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने बदले की कसम खा ली थी और तब फादर एंड्रयूज के साथ तुम लोगों के रिश्ते की बात पता चली। उनसे मैंने तुम लोगों के बारे में पता लगाना चाहा, लेकिन नहीं लगा सका। वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब उनकी तरफ से मैंने एक लेटर लिखा और तुम्हारे घर पर आ गया। मैं तुम्हारे बाप की तरह खूनी नहीं हूं। मेरे दिल के अंदर बदले की आग जल रही थी। मैं उनसे बदला लेना चाहता था, इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाया। तुम्हारा भाई पागल नहीं था, लेकिन मैंने उसे पागल बनाकर पागल खाने में भिजवा दिया। उसके बाद मैंने तुम सबका दिल जीतने के लिए तुम्हारे पापा पर हमला करवाकर उनकी जान बचाई, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम्हारा बाप गुनाहगार है और यह काम मैं करूंगा। तुम्हें लगता है मैं इस पर यकीन कर लूंगी? चल। हमारे ही गेस्ट हाउस में तुम मुझे घसीट कर ले जाओगे? तुम लोग यहाँ छुपे हो, पुलिस को पता चल चुका है। उन्हें शक है कि तुम लोग मुझे मारने आए हो। किसी भी तरह तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जाओ, जल्दी करो। ना जाने कितने शहर की पुलिस हमें ढूंढ रही है। अब ऊटी शहर की पुलिस भी ढूंढती है तो ढूंढने दो, वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। बी सीरियस गुरु, पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी कर चुकी है। किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पे पहुँच गई तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। तो अब क्या करें, आप ही बताइए। अब पता चला कौन गुनहगार है। हम लोग तीनों एक ही गाड़ी पर निकलेंगे। गाड़ी पे मैं रहूंगा तो पुलिस गाड़ी चेक नहीं करेगी। हम इस तरह खुलेआम नहीं जा सकते, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। वो हम संभाल लेंगे। चलो निकलो यहां से।
रुको रुको रुको। सर हेलो सर जाने दो सर चेक करो वहां देखो वहां उधर उधर वहां चेक करो सर पुलिस की चेकिंग बहुत जबरदस्त हो रही है मैं हूं ना सर जाने दो नहीं गुरु नहीं गोली मत चलाना मेरी बहुत समझो गोली चलाए तो हम लोग नहीं बचेंगे ए, रोको इसलिए गोली मत चलाना नहीं ए, रोको 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 गोली रोको Oh!